सेलिब्रेशन टीवी इवेंट्स ऑफ अ लाइफ। फतेहाबाद रोड स्थित सपा पार्टी कार्यालय पर सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए सपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ अनुष्ठान किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के पकौड़े वाले बयान को बेरोजगार डिग्री धारकों का मजाक उड़ाना बताया और अपना विरोध सपाइयों ने पकौड़े तलकर उन्हें बेचकर दर्शाया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। आइए डालते हैं एक नज़र समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुए इस विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम पर। हम लोगों ने केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया है, ऊपर वाले से प्रार्थना की है कि ऊपर वाला इन्हें बुद्धि दे, ये देश हित में सोचें, बेरोजगारों के बारे में सोचें, गरीबों के बारे में सोचें। चार साल से पहले इन्होंने वादे किए, चार साल सरकार के वादों में निकाल दिए, वही बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया कि ऊपर वाला इन्हें बुद्धि दे, जिससे ये देश का और बेरोजगारों का और गरीबों का इस देश का जो है हाल ठीक कर सकें, क्योंकि बहुत बेरोजगारी हमारे देश में फैली हुई है और ये अपने वादों में फेल हुए हैं। और जो हमारे बेरोजगार नौजवान डिग्री धारक को का मोदी जी ने पिछले दिनों मजाक उड़ाया था, आज वो डिग्री धारक मंगोड़े बेचने का काम कर रहे हैं और उसमें गोभी, हरी मिर्च और आलू और वेस्टेज मंगोड़ों का नाम रख के हमारे बेरोजगार साथियों ने आज मंगोड़े बेचने का काम किया। मेरा नाम जूही प्रकाश है और मैं एक समाज सेविका और समाजवादी पार्टी से हूँ। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, जिस तरह से केंद्र सरकार ने बेरोजगारों के मुँह पे तमाचा मारा है, आलू पकौड़ा इस तरीके के पकौड़े के बारे में टिप्पणी कर, तो जो आजकल के बेरोजगार हैं वो पकौड़े तलेंगे ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब हम जब नौकरी की बात करते हैं तो वो इस तरीके की टिप्पणियाँ करते हैं, क्या जितने भी डिग्री धारक हैं वो अपने डिग्री पे रख के पकौड़े बेचेंगे, तो ये किस तरीके की टिप्पणी है वो हम लोगों को समझ में नहीं, उसके विरोध में आज हम यहाँ पकौड़े बेच रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। उन्होंने जो जनता जनार्दन से सरकार में आने के लिए झूठे वादे किए थे कि हम बेरोजगारों को करोड़ों नौकरियां देंगे, ऐसे तो उन्होंने नौजवानों के साथ साथ किसानों के लिए कई मतलब ऐसी योजनाएं की थी, लेकिन अमल किसी पे नहीं किया। आज आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पे महानगर की तरफ से बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया गया, साथ ही साथ जो डिग्री धारक हैं उन्होंने आज यहाँ पे पकौड़े, जो उनके मुखिया कहते हैं, चाहे वो जेटली जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे शाह जी हों, उन्होंने क्या पढ़ा लिखा होना गुनाह नहीं है, वो पकौड़े बेच के अपना कारोबार चलाए। जब पकौड़े ही बेचने हैं तो मैं कह रहा हूँ डिग्रियों को बुला के वहाँ केंद्र सरकार उस संसद भवन में बैठ के उनको आग लगाए। मैं समझता हूँ ऐसी सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, आज समाजवादी पार्टी के महानगर वाजे निसार जी के नेतृत्व में पार्टी कार्यालय पे आज भाजपा की बुद्धि शुद्धि के लिए और प्रधानमंत्री जी के कहने पे जो डिग्री के हमारे लिए लोग आए हुए थे, पार्टी के लोग भी और आए थे, उन्होंने पकौड़े तलने का कार्यक्रम रखा। जिस देश के प्रधानमंत्री रोजगार देने के नाम पर पकौड़े बेचने ही कहते हैं, तब समझ में आता है कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बढ़ावा भी वो अपने अमीरों को ही दे रहे हैं, गरीबों को नहीं दे रहे, गरीबों पेट पर लात मार रहे हैं। आज जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय चौधरी बाजे निसार साहब के नेतृत्व में समस्त फ्रंटल के अध्यक्ष, सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, पूरे महानगर के कार्यकर्ता सब एकत्रित होकर के यहाँ पे जो हवन किया गया, इस हवन से ये संदेश दिया गया है कि जो बीजेपी सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसको सही करने का काम किया गया है। मंत्रों के उच्चारण से उनकी बुद्धि में कुछ फर्क पड़ जाए जिससे कि वो सही काम करने लगें। जब से ये योगी आए हैं उन्होंने कोई भी किसान के लिए, बेरोजगार के लिए, गरीबों के लिए एक भी योजना ऐसी लागू नहीं की जिससे कि गरीब का हित हो, मगर उन पर मुकदमे ठुकवाना, किसानों पर उनकी फसलों का सही मूल्य ना देना और बेरोजगारों पर भी मुकदमे ठुकवा करके उनको जेल में ठूसना, ये इनके कार्यकलाप हैं। इससे यहाँ दर्शाया गया है कि उनकी बुद्धि शुद्धि सही हो जाए और अच्छे तरीके से इस पूरे उत्तर प्रदेश में शासन को अच्छी तरीके से चलाएं। और जो मंगोड़े तलवा करके उनको दर्शाया गया कि जो हमारे बेरोजगार हैं डिग्री धारक, उनको कोई काम नहीं है, वो अपनी रोजगार बेचारे अपने परिवार की जो भी समस्याओं का निवारण करके यहाँ पे ये रोजगार कर रहे हैं, अपना पकौड़े तल करके जो अपना रोजगार चला रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, उसमें भी वो अपना श्रेय लेना चाहते हैं कि ये भी एक रोजगार है, हमने दिया है उनको, क्या ये जो बेसन है, रिफाइंड है, उनमें जो चीज़ जाती है, क्या इनने इनको सब्सिडी दे रखी है, क्या उनको फ्री में दे रहे हैं, क्या उसका भी श्रेय लेने चाह रहे हैं। इसलिए इनको कहा जा रहा है कि ये बीजेपी सरकार अपने दिमाग को सही कर ले और सही नीतियों पर काम करने का काम करें। समाजवादी पार्टी के आज कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने संदेश दिया है, देश के इतने उच्च, सबसे बड़े उच्च पद पर बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पद की गरिमा को ताक पर रख दिया है। जो प्रधानमंत्री जी की जो गरिमा थी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो माँ बाप, गरीब माँ बाप अपने बच्चे को किस तरह से पढ़ाते हैं, लोन लेकर पढ़ाते हैं, डिग्रियाँ हासिल कराते हैं, और एक पल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया कि पकौड़े बेचिए, अब डिग्री धारक पकौड़े बेचेंगे इस देश के, जबकि प्रधानमंत्री जी इस देश को विश्व शक्ति बनाने की बात करते हैं और एक दूसरे चढ़ उसको नौजवान साथियों को
पकौड़े बेचने की बात करते हैं, 1 करोड़ हर साल नौकरी देने वाले प्रधानमंत्री जी, 2 करोड़ नौकरी देने वाले प्रधानमंत्री जी ने आज 4 साल होने को आ गए, अभी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए 8 लाख लोगों तक को नौकरी नहीं दी है। ये सिर्फ जातिवाद की नेतागिरी कर रहे हैं, फूट डालो राज करो वाली नेतागिरी कर रहे हैं, जो इस देश के लिए नासूर बनती जा रही है। नौजवानों को आगे बढ़ाने के बजाय ये धर्म की राजनीति में घेर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा ये लोग, इनके विचारधारा इस देश के प्रति है या ये देश के दुश्मन बने बैठे हैं। बस ये इसीलिए इनकी बुद्धि शुद्धि का यज्ञ किया गया, शायद अल्लाह ताला इनको अकल दे और इस देश के प्रति वफादारी की नाम अपनी उसको दिखाएं। धन्यवाद। तो देखा आपने कि सपाइयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों पर किस तरह अपना विरोध प्रकट किया। बता दें कि प्रधानमंत्री के पकौड़े वाले बयान पर पूरा विपक्ष भी एकजुट है, भारतीय जनता पार्टी झेल रही है। ऐसे में फिलहाल भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बयान पर सफाई देकर अपना बचाव कर रहा है। सेलिब्रेशन टीवी, इवेंट्स ऑफ अ लाइफ।